ओम शांति। हमारे बड़ों ने एक बात का सिस्टम बनाया था, कोई भी त्योहार के नाम पे एकादशी द्वादशी सुना है ना, उपवास के व्रत रखने जैसे कुछ नियम बनाया। एक्चुअली वो भगवान के लिए डरने के लिए नहीं बनाया, वो सिस्टम इसलिए डाला ताकि लोग अपने पेट को भी कभी कभी छुट्टी दे। लेकिन आज छुट्टी क्या हो गए, ओटी बन गए। आज छुट्टी भी ओटी। छुट्टी का मतलब क्या है, हमारा पेट को कम से कम 14 घंटा मिलना है उसको रेस्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस मॉडर्न के साइंस के अनुसार सोते 11-12 बजे और खाते 10-11 बजे और फिर सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा पेट ठीक रीति से साफ नहीं होता है। और हम समझते हैं मुझे तो कोई बीमारी नहीं। अभी तो आपको बीमारी नहीं है लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सिस्टम बहुत आप सोच के चलना है। जो मुंह में डालते हैं जैसे सोचने के पहले सोचो, ये आपको बताया गया, वैसे खाने के पहले सोच समझ कर खाओ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको इस जीव को ही संतुष्ट करना है तो नमक के जगह पर आप नींबू यूज करो, टमाटर यूज करो, दही यूज करो, लेकिन इमली मत यूज करना, वो भी गैस सिस्टम गैस्ट्रिक बनने में मदद करता है। लोगों का शरीर पहले जमाने जैसा नहीं है, कलयुग भी नहीं। अभी कौन सा युग चल रहा है, घोर कलयुग। कौन सा कलयुग, कलयुग। एक घोर कलयुग में सब कुछ काली काली होता जा रहा है, धरती माँ का शक्ति भी काली होता जा रहा है, मनुष्य के मन का वृत्ति भी अपवित्र बनता जा रहा है और कलयुग में अति का रूप डे बाय डे होता जा रहा है। तो हमको अपना शरीर को अच्छी रीति से रखना है, बाबा के सेवा में ये शरीर अच्छी तरह से यूजफुल होना है, तो खाने का सिस्टम में परिवर्तन लाना है। सुबह आप लोगों को कई टिप्स बोलता हूँ, वो आप एक हफ्ते के लिए प्रयोग करो, बाद में आपके क्या आपके जीवन पद्धति को आप अप्लाई करो। सुबह सभी तो 3:30 बजे या 4 के अंदर उठते हैं, नहीं उठते हैं, उठते हैं। उठते ही जो पानी होता है 1 लीटर का पानी, वो भी थोड़ा नरम करो, है ना, गरम करो, वार्म वाटर, ल्यूक वाटर बोलते हैं, उसको लेकर के पूरा पी लो। एक बार अपना पेट साफ करो और थोड़ा हल्का सा स्नान करो और बाबा की याद में बैठ जाओ। एक एक मुरली में, साकार मुरली में आप सुना होगा, बच्चे सुबह सुबह उठ करके स्नान करके भी बाबा को याद करें तो बहुत मजा आएगा, ये बात सुना है। खास हमारे एक में चंद्रमणि दादी होते थे, वो बहुत इस बात पर सबको भी अटेंशन खींचवाते थे, जो सुबह सुबह उठते हैं ना पहला काम स्नान करो तो बहुत मजा आएगा। तो एक बार वो पेट साफ करना है, बाद में 1.5 घंटा 2 घंटा जो मिलता है आप अमृत वेला का योग पूरा करो और थोड़ा एक्सरसाइज, शरीर का व्यायाम या वॉकिंग कुछ करना है तो करना ही है, नहीं तो एक शरीर का गाड़ी आपको साथ नहीं देता है, जड़ बन जाता है। बाद में 6:30 6:30 को फिर एक बार, पहले आपको डर लगता है लेकिन यही करेक्ट प्रोसीजर है, फिर एक बार एक बोतल फिर गर्म के पानी लेकर के पी लो, फिर आपको क्या हो जाता है, पेट साफ होता है, तो उस दिन के लिए आपका डस्टबिन खाली हो जाता है। तो आपका पेट साफ हो गया तो 8 बजे या 8:30 बजे के अंदर एक फ्रेश जूस, वो भी क्या है, वो जो सब्जी का जूस, खीरा, टमाटर, बीटरूट और कैरेट, खीरा, टमाटर, बीटरूट और कैरेट, ये सब को मिला के आप एक ग्लास उसका जो जूस है उसको पी लो, उसमें कुछ भी मत डालना।
तोड़ा आपको चाहिए तो हनी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, और तोड़ा आप लेमन का यूज कर सकते हैं। वो भी कैसा पीना है, 10 मिनट तक आराम से बाबा के याद में पिलो, न्यूज़पेपर देखते हुए, मोबाइल का एसएमएस देखते हुए, किसी से मीटिंग करते हुए काए तो वो पी लिया तो वो फिर आपको बहुत जल्दी क्या हो जाता है, भूख लगता है। इससे आपको क्या होता है, शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और आपको शरीर में ताकत बढ़ता है। ये पहला, 2 घंटे छोड़ करके आप चाहे तो थोड़ा अंकुरित जो स्प्राउट्स है उसको ले लो और फिर आप बीच के समय में चाहे तो पानी पीते रहो, चाहे तो ये होता है ना क्या बोलते हैं बटर मिल्क, वो भी थोड़ा ले सकते हैं। और 12:30 बजे या 1 बजे को सब्जी ज्यादा खाना। हम क्या करते हैं, इतना सब्जी इतना रोटी लेते हैं, अभी उल्टा करो, 2 रोटी या 3 रोटी ले लो और सब्जियां ज्यादा खाओ। ऐसे में मिर्ची मसाला सब कुछ डाल करके, तेल वगैरह डाल के, मसाला वगैरह डाल के पेट को पनिशमेंट नहीं देना। ऐसे आप खा लिया तो दिन में आपने 30% कोटा पूरा किया एक बॉइल्ड फूड। और शाम को 4:30 बजे जैसे टी कॉफी टाइम होता है तो कोई ना कोई सीजन फ्रूट जूस पी लो या नारियल का पानी पी लो। फिर शाम को 6:30 के अंदर, 6:30 के अंदर मैं सभी को बोल रहा हूँ, आंध्रा में वो भी विशाखापट्टनम में हैदराबाद जोन के टीचर्स ने 6 महीने से ये इंप्लीमेंट किया, उसका कभी भी भोजन 7 बजे के बाद नहीं होता है, 6:30 के बाद कभी भी उसका भोजन नहीं होता है, उनका बहुत हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो टीचर बहने कहते हैं हमारा पूरा जोन में ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, 6:30 के अंदर आप लोग भोजन यानी उस समय फिर रोटी सब्जी दाल मिर्ची मसाला वो नहीं खाना, फ्रूट्स खाओ या सलाद खाओ, एक दिन सलाद खाओ एक दिन फ्रूट्स खाओ, फिर आपका सिस्टम अच्छा रहता है। 7 बजे के अंदर आपका खान पान का सिस्टम बंद तो नेक्स्ट डे आपको फिर कितने बजे को लेने का होता है, 7-8 बजे, तो आपको कम से कम कितना टाइम मिलता है पेट को, 12 घंटा या 14 घंटा, उतना मिलने से आपको ये जो डायबिटीज का और ये जो बीपी का, ये जो सब तरह के फैट कोलेस्ट्रॉल का ये बीमारी नहीं आते हैं, वो सब कंट्रोल होता है। आपका डॉक्टर आप खुद बनना है, आपका रसोई घर को आप क्या बनाना है, दवा खाना बनाना है। जब तक आप घर के डॉक्टर नहीं बनते, शरीर का डॉक्टर नहीं बनते, तो डॉक्टर के क्या बनते हैं, बोलते हैं ना हमारा फैमिली डॉक्टर है, क्या डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। तो डॉक्टर को फैमिली बना दिया, तो बाबा को फैमिली बनाओ, तो डॉक्टर को छोड़ो, डॉक्टर का जो बढ़ते बढ़ते डॉक्टर को अमीर बनते जा रहे हैं।